तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग सामने। एंड दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों बहुत बार ये होता है ना कि हम फोटो तो एडिट कर लेते हैं लेकिन हमारे फोटो पर कोई क्लैरिटी नहीं होता है। एंड दोस्तों हमारे फोटो में कोई वाल पेंट इफेक्ट नहीं होता है जिससे मेरा फोटो काफ़ी बोरिंग लगता है। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आप इस तरीके का फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड दोस्तों हमेशा की तरह इस फोटो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वीडियो देखने के बाद डाउनलोड कीजिएगा। एंड आप लोग भी अपने वीडियो के लिए इस फोटो को यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोग लिए इस तरह का एडिटिंग वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं RKPS फोटो एडिटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और यहाँ पे ना इस फोटो को हम एडिट करने वाले हैं। अब इस फोटो में देखिए ना, तो इस फोटो में वार्म टोन बहुत ज़्यादा है बिकॉज मैंने इस फोटो को शाम के टाइम में क्लिक किया था, जिसकी वजह से इस पे ना सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसको पहले कंट्रोल करेंगे। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि सिंपली से हम इसको लाइटरूम मोबाइल के अंदर ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन हम सही करेंगे, उसके बाद हम इसको बढ़िया से एडिट करने वाले हैं। तो ये फोटो को मैंने भेज लिया लाइटरूम के अंदर और ये जो है ना ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जाना है लाइट पर, और लाइट पर जाने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रास्ट को कम करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर कम करेंगे, हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट हमारे फेस में नहीं था। तो हम यहाँ पे हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और शैडो को भी हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। शैडो बढ़ाने से ना जब ब्लैक टोन था ना वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे वाइट ब्लैक्स को भी बढ़ाएंगे और वाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इतना हम कर लेंगे, उसके बाद हम कलर पर जाएंगे और कलर पर जाने के बाद यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम कम करेंगे और यहाँ पर सेचुरेशन को भी थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें टेम्परेचर को लो करना है। जैसे हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो यहाँ पे मेरा वार्म टोन ख़त्म हो जाएगा और मेरा फोटो थोड़ा सा कूल दिखने लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पे टिंट को भी थोड़ा सा कम करेंगे, इतना हम कर लेंगे। देन उसके बाद हमें ग्रेडिंग पे क्लिक करना है और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से ना हम कलर ग्रेड कर लेंगे, थोड़ा सा येलो टोन अपने फेस पे दे लेंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से डन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर और बिफोर बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुका है हमारे फोटो में। यहाँ पे देखिए ये है आफ्टर और ये है बिफोर, ठीक है। इतना हम कर लेंगे। उसके बाद मिक्स टूल पे जाएंगे और मिक्स टूल पे जाने के बाद हमें क्या करना है ना, बैकग्राउंड को थोड़ा सा ऑरेंज टोन देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे ग्रीन वाले ऑप्शन पे जाना है और इसके ह्यू को हम कम करेंगे और सेचुरेशन को भी कम करेंगे और यहाँ पे जाना है। उसके बाद इसके ह्यू को हम कम करेंगे और सेचुरेशन को हम रहने देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फेस के टोन को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, इतना हम कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाना है रेड वाले ऑप्शन पे और थोड़ा सा रेड के सेचुरेशन को हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद बाकी जो ये कलर है ना, इसको हम लोग ऐसे सेचुरेशन को बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साइड में थोड़ा सा यहाँ पे टील कलर आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने में लग रहा है, ठीक है। तो बाकी इसको भी आप लोग जैसे जो भी अच्छा लगे वो आप लोग कर लीजिए। उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद दोस्तों हमें जाना है एक इफेक्ट पे और यहाँ पे क्लैरिटी को इंक्रीज करना है, टेक्सचर को भी थोड़ा सा बढ़ाना है, बाकी यहाँ पे वेंटी वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना है डिटेल पे और शार्पनिंग को बढ़ाना है। देन उसके बाद इस फोटो को भेजना है स्नैपसीड मोबाइल के अंदर, यहाँ से हम शेयर कर लेंगे डायरेक्ट, या फिर आप चाहे तो इसे सेव करके भी ओपन कर लेना स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली मैंने यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर लिया। अब दोस्तों शेयर करने के बाद सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, अपने फेस से पिंपल्स को रिमूव करेंगे। उसके लिए हमें हीलिंग टूल का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, बहुत ज़्यादा इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपने फ़ोटो को बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है। इतना हम कर लेंगे। अब हीलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स होता है जो हम रिमूव फेस को जब हम स्मूथ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, जिसके वजह से हमें हीलिंग करना पड़ता है, ठीक है। इतना हम कर लेंगे और भी इधर रह रहा है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद अब हमें चाहिए ना बैकग्राउंड में एक अच्छा सा लाइट होना चाहिए, मतलब मेरा पहले वाले फ़ोटो में देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा लाइट मतलब वाइल्ड पेंट इफेक्ट दिख रहा था, तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो हम स्नैपसीड में करेंगे। उसके लिए सिंपली हमें टूल पे जाना है और यहाँ पे टर्न इमेज पे जाना है और सिंपली यहाँ से एमनेस को थोड़ा सा हमको इंक्रीज करना है। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे। डन करने का फिर से टूल पे जाएंगे, टोटल कंट्रास्ट पे जाएंगे और यहाँ से ना हम इसके हाई टोन को हम बढ़ाएंगे, मीडियम टोन को भी हमें बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद हमारे फेस पे ना काफ़ी बेकार सा मतलब एक टेक्सचर दिखाई दे रहा है, इसको हम रिमूव करेंगे। सिंपली एयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे, टोटल कंट्रास्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से ब्रश पे, और उसके बाद हम इस तरीके से अपने शॉट पे ना अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे वाइल्ड पेंट इफेक्ट आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेरा शॉट पे ना एक अलग सा चमक यहाँ पे ऐड हो रहा है, और इधर भी हम कर ले रहे हैं, ठीक है। इतना हम कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद अब बात रही कि हमारे फेस पे ना थोड़ा सा लाइट कम है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। सिंपली टूल ऑप्शन पे जाएंगे, सिलेक्टिव टूल के हेल्प से
यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लाइट भी दे लेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। उसके बाद हम हमें क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर सारे मिल जाएंगे, तो आपको जाकर डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हमें अपने फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। उसके लिए हमें कौन सा ब्रश लेना है, क्या करना है, वो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ब्रश पे जाएंगे और ब्रश पे जाने के बाद हमें ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है जिसका नाम है स्मॉज सॉफ्ट राउंड ब्रश 2, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है, आप लोग सेटिंग यहाँ पे देख लेना, सेटिंग आपको यहाँ पे 10 के आसपास रखना है और इसको 2 रखना है, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखना। और थोड़ा सा पहले तो हम स्मूथ कर लेंगे, बाद में इसको हम परफेक्ट करेंगे। स्मूथ करने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि ब्रश के साइज़ को कुछ इतना रखना है और अपने फेस में ना राउंड राउंड से इस तरीके से घुमाना है। आप देखिए, इधर आप राउंड मत कीजिएगा क्योंकि इधर ब्लैक पार्ट्स है, ब्लैक पार्ट्स को आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब राउंड आपको इधर घुमाना है जहाँ पे आपका वाइट पार्ट्स है, तो इस तरीके से आपको राउंड राउंड सा घुमा लेना है। आप देखिए ब्रश का साइज़ बड़ा है ना, तो सिंपली से ब्रश के साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं, बाकी आप लोग ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट से कर ले रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्मूथ किया है, बट मैंने चश्मा के अंदर स्मूथ नहीं किया, वो मैंने क्यों नहीं किया, यहाँ पे नोज़ पे भी मैंने नहीं किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्मूथ करना है तो उसके लिए हम कौन सा ब्रश लेंगे, यहाँ पे सिंपली जाएंगे ब्रश पे और लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और ये वाला ब्रश सेलेक्ट करेंगे। सेटिंग जाकर आप देख लेना, 2-2 आपको रखना है। उसके बाद ब्रश के साइज़ को इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करना है, अपने फेस के अकॉर्डिंग इतना बड़ा रखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से ब्रश को इस तरीके से चलाना है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, जो मेरे फेस मैंने स्मूथ किया था, ये सब जो दाग धब्बा से ना, सबका सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करना है, तो चलिए मैं इसको फटाफट से कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने स्मूथ कर दिया और थोड़ा सा रह रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको भी मैं कर ले रहा हूँ। और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है क्योंकि इसका तो कलर आपको चेंज करना ही है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक है। आपको फेस पे जितना काम करना है कर सकते हैं, और फेस पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप ज़्यादा वर्क कीजिए, क्योंकि फेस स्मूथ पे ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के आप बढ़िया से स्मूथ कर पाते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली इतना करने के बाद आपको एक लेयर लेना है, और लेयर लेने के बाद आपको कलर लेना है रेड, ठीक है, इस तरीके से। और आपको पहले चश्मा के अंदर पेंट करना है, तो उसके लिए आपको ब्रश कौन सा लेना है, लाइब्रेरी में जाना है और आपको एक ब्रश दिख रहा होगा मीडियम ब्रश, इसको आपको सेलेक्ट करना है जो कि ट्रेडिशनल ब्रश के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम ब्रश ले लेना है और उसके बाद इस तरीके से पेंटिंग कर लेना है अपने चश्मा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा ब्राउन टोन, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सॉफ्ट लाइट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे स्केल एडजस्टमेंट के अंदर, और यहाँ से ना थोड़ा सा हम इसके लाइटनेस को कम कर देंगे और यहाँ से सैचुरेशन को हम ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे और फिर से हमें एक और लेयर लेना है और हमें रेड कलर ही लेना है, और ब्रश हमें कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लिप्स के कलर को चेंज करेंगे और यहाँ से ना आपको इसके ब्लेंडिंग मोड को ना सॉफ्ट लाइट ही करना है, ठीक है। और यहाँ से चलिए मैं इसको कर ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने लिप्स का कलर भी चेंज कर लिया, बट ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली से थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, ठीक है, इतना हम कर लेंगे। सो दोस्तों ये काम मैंने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्टली यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद इस फोटो को ओपन करेंगे आफ्टर फोकस एप्लीकेशन के अंदर, और वहाँ थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लाइट रूम में ओपन करके थोड़ा सा और लाइटिंग एडजस्टमेंट कर लेना है और मेरा फोटो बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्टर फोकस के अंदर चलेंगे और यहाँ से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एल्बम पे क्लिक करना है, और आफ्टर फोकस का भी लिंक आपको आफ्टर फोकस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको यूज़ कैसे करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे और आपको ये वाला सेलेक्ट रखना है, ठीक है, ऊपर जो आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पे इस वाले आइकन को आपको सेलेक्ट करके इस तरीके से अपने
मॉडल के बॉडी के ऊपर आपको सिलेक्शन बनानी है, ठीक है। इस तरीके से खूब बढ़िया से आराम आराम से इस काम को आप लोग कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई आफ्टर फोकस का यूज़ करते हैं तो हमारा फ़ोटो का क्वालिटी कम हो जाता है, ठीक है। हाँ मानता हूँ कम हो जाता है, लेकिन उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है और बहुत ही ईजी तरीका है। अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। बहुत बार ये होता है कि मतलब बहुत बार क्या हर बार होता है ऐसा कि यहाँ से फ़ोटो क्वालिटी कम होगा, बट अगर बढ़िया से आप एडिटिंग करते हैं तो क्वालिटी बिल्कुल नहीं कम होगा, ठीक है। उसका भी एक तरीका है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर से, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस पर अगर बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन बनानी है, उसके बाद ये वाला आइकन पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको हटा देना है सिलेक्शन पीछे से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हटाने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये भी हट चुका है, तो हम क्या करेंगे इसके आइट साइड इस तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे ताकि इसके बाहर ना जाए, और सिंपली से हम ये वाला पर्सन वाला आइकन पे क्लिक करके इस तरीके से इसको भी हम सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी ये थोड़ा सा है, इसको भी हम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको सिंपली कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी कितना ज़्यादा ब्लर हो चुका है, आपको और ज़्यादा करना होगा तो आप सिंपली, हालांकि मैं इसको बहुत बार बताया हूँ, और यहाँ से आपको सेव करना है। अब फोटो सेव होने के बाद दोस्तों इस फोटो को ओपन करेंगे हम लाइटरूम के अंदर और थोड़ा सा वहाँ पर कलर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे गैलरी के अंदर और यहाँ पर मैंने फ़ोटो को अभी अभी सेव किया था, तो उसको सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ से भेज लेंगे लाइटरूम मोबाइल के अंदर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लाइटरूम में हमें क्या करना है, थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करना है जिससे मेरा फ़ोटो काफ़ी अच्छा बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो जो है लाइटरूम के अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑटो इसका चेक कर लेंगे कि ऑटो मोड में मेरा फ़ोटो कैसे लग रहा है। देखिए ऑटो में काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके हाईलाइट को कम करेंगे और यहाँ पर शैडो को हम थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी शैडो को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर ब्लैक्स को थोड़ा सा हम कम करेंगे, ठीक है, और कंट्रास्ट को भी कम करेंगे। बाद में आपको कलर पे जाना है और यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा टिंट कलर देना है, टिंट को हम थोड़ा सा कम करेंगे, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद मिक्स टूल पे जाएंगे और यहाँ पे ना सेचुरेशन को बढ़ाते ही मेरे चश्मा का कलर ज़्यादा हो जाएगा, बाकी इसके लाइटनेस को कम कर देंगे, सॉरी लुमिनस को कम करेंगे। और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फेस वाले कलर पर हमें जाना है और थोड़ा सा यहाँ पर फेस को और ज़्यादा वाइट रखना है, ठीक है, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, बैक साइड में जो कलर है जो कि आपको टिंट कलर दिखाई दे रहा है, इसके सेचुरेशन वगैरह बढ़ा लीजिएगा, उसका डन करना है। और उसके बाद ग्रेडिंग पे जाना है और लास्ट वाले ऑप्शन है ना जो शैडो, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपको एक कलर देना है जो कि काफ़ी अच्छा दिखेगा लुक, यहाँ से आपको दे देना है। बाकी यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या रखना है कैसे रखना है, सिंपली आपको ये वाला देखिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा हमारे फोटोज़ में, तो इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे, डन करने के बाद इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लैरिटी को जैसे ही बढ़ाएंगे ना तो मेरे फोटो में ना एक अलग तरीका क्लैरिटी ऐड होगा जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेरा फ़ोटो बन गया आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेंटी वाले ऑप्शन को ना हम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि पीछे से जो साइड साइड से जो ब्लैक टोन आता है ना बहुत अच्छा दिखता है उससे मेरा फ़ोटो। और यहाँ पर डिटेल पर जाना है, शार्पनिंग को बढ़ाना है, और एक ऑप्शन आपको इनेबल करना है जिसका नाम है कलर नॉइज रिडक्शन, इससे आपके फ़ोटो में जितना भी नॉइस है ना ये सब खत्म हो जाएगा, आपका फ़ोटो बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। और यहाँ पे आपको ऑप्टिक्स पे जाना है और इसको इनेबल रख देना है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है तो आपका फ़ोटो देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन चुका है। और थोड़ा सा आपको फ़ोटो को और ज़्यादा इंप्रूव करना है तो इसमें ऑयल पेंट इफेक्ट देना होगा, वो कैसे देते हैं टूल वाइज के अंदर देते हैं, तो अगर आपको लोग जानते हो तो कर लीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो बहुत सारा वीडियो मैं बताया हूँ तो इस वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे इस फोटो को यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद भी आप टूल वाइज का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे फोटो आपको बन गया है, तो मेरा फोटो जो है सेव हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोग के लिए ऐसे एडिटिंग वीडियो लाते रहते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग के लिए वीडियो लाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।